हेलो एवरीवन, वेलकम टू संचिती फैशन डिज़ाइनर। आइए आज हम छोटे बच्चे की और सुंदर फ्रॉक बनाए अम्ब्रेला कट स्कर्ट से। ये जो नेट का कपड़ा है इसका हम स्कर्ट बनाएंगे नीचे का, और इसके हम ऊपर की बेल्ट बनाएंगे। तो हमारी जो बेल्ट की लेंथ होगी, देखिए हम 6 इंचेस बेल्ट की बेल्ट कटिंग करेंगे। और ये हमारे पास ऊपर का बेल्ट का कपड़ा है और ये बेल्ट के नीचे लगाने का अस्तर है, छोटा सा कट पीस है, तो इसको हम इसमें काम में ले सकते हैं। हमारे बेल्ट की लेंथ होगी 6 इंचेज और बेल्ट की 2 साल की गुड़िया की जो चेस्ट है वो 18 इंच है, तो इसमें हमने 10 इंच ले लिया है। जो हमारा बेल्ट है इसको हमने 20 इंच लिया है और इसकी जो लेंथ लिया वो है 6 इंच। अब हम इसको कट करके अलग कर लेते हैं। आइए, हमने बेल्ट कटिंग कर लिया है और ये हमारे बेल्ट के नीचे का अस्तर है। तो ये 2 पार्ट्स है, एक आगे एक का और एक पीछे का, ये 2 बेल्ट्स हो गई हैं। और इसकी लेंथ रहेगी हमारे पास 4 इंच, 2 इंच हमारे सिलाई में स्टिचिंग में चली जाएंगी और 4 इंच हमारे बेल्ट की लेंथ रहेंगी। हमें फ्रॉक की जो टोटल लेंथ चाहिएगी वो होगी 18 इंच। 18 इंच चेस्ट है और 18 इंच हमारी इसकी लेंथ होगी। तो हम दोनों की जो ऊपर का ये बेल्ट है और ये जो नीचे का घेर है दोनों की मिलाकर के हमें 18 इंच लेंथ बनानी है। आप देखिए, इसको हम यहाँ ऊपर रखेंगे। आप ये जो हमारे पास नेट है इसको इस प्रकार से डबल फोल्ड कर लें, जो तिरछा फोल्ड करते हैं, जैसे हम समोसा पजामी की कटिंग करते हैं उसी प्रकार से इसको फोल्ड कर लें। अब इस ऊपर वाले जो हमारी बेल्ट है इसको हम यहाँ रखेंगे, बहुत सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगी। और इसकी हम जो लेंथ है देख लीजिए हमारी, और 17 इंच तैयार हो जाती है। ये यह देखिए, यहाँ तक 17 इंच लेंथ बनती है इसकी। और 1 इंच हमारी जो ऊपर पट्टी लगाएंगे, 1 इंच इसमें से लॉस होगी और 2 इंच उसमें से बढ़ जाएगी, तो ये टोटल हमारी 18 इंच की फ्रॉक बन जाएगी। अब हम इसमें यहाँ से देखिए 17 इंच पूरी है, ऊपर ले चलते हैं पूरा, बिल्कुल ये 18 इंच इसको पूरा करेंगे हम ऊपर से हल्का सा, ये यहाँ तक 18 इंच है। तो इस प्रकार हम इसमें तिरछा लेंगे यहाँ से भी और 18 इंच पे ऐसे मार्किंग करेंगे। ये आपको दिखा देते हैं, यहाँ से 18 इंच होगी और फिर यहाँ से यहाँ तक 18 इंच, इस प्रकार इसको हम राउंड में ऐसे, और फिर यहाँ तक 18 इंच, इस प्रकार बिल्कुल राउंड में मार्किंग करेंगे हम। ऊपर से इस तरफ भी 18 इंच है और ऊपर से यहाँ भी देखिए ऐसे इसको फोल्ड करते हैं, 18 इंच है इस प्रकार से, ये 18 इंच का, और यहाँ आते आते राउंड ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये टोटल हमारी जो लेंथ होगी वो 18 इंच इसकी लेंथ तैयार रहेगी। तो अब हम आपको इसकी कटिंग करके बताते हैं। देखिए, इस पार्ट्स को अलग कर देंगे और ये जो नीचे से ऑफ है इसको खोलेंगे यहाँ तक, और अब हम इसको अलग कर देते हैं और ये ऐसी हो गई है। फिर इसको हल्का सा यहाँ से शेप लगाएंगे, अब जो ये हमारी ऊपर की साइड है इसको हम इस प्रकार से घुमा लेते हैं, जो हमारी बराबर में यहाँ साइड मार्किंग की हुई है बिल्कुल यहाँ से और यहाँ से बराबर होना चाहिए। इसको हम इस प्रकार से जैसे हमारी ऊपर की बेल्ट कटी हुई है वैसे इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक कटिंग हो गया है, एक साइड और इसकी ऑफ है इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा पार्ट्स दोनों कट चुके हैं। अब देखिए, ऊपर की जो पट्टी हम कटिंग करेंगे इस कपड़े से, ये डबल है देखिए, और डबल में से हम इसमें से 7 इंच लेंगे, 7 इंच लेंथ लेंगे। तो ये हमारे पास में 7 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी हम एक पट्टी कटिंग करेंगे। और ये हमारे पास 2 पट्टियां हैं देखिए,
और दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं। इस प्रकार से ये हमारी डबल भी हो जाएंगी और इस प्रकार से ये डबल यहाँ जुड़ेगी। एक पट्टी को हम यहाँ ज्वाइंट करेंगे और ये जो हमारी दूसरी पट्टी है इसको हम यहाँ ज्वाइंट करेंगे। ये दो हमारी पट्टियाँ लगेंगी इस प्रकार से। और इन पट्टियों के ऊपर हम ये देखिए 2 इंच की और 2 इंच की चौड़ी ब्लैक कलर की नेट की पट्टी कटिंग करेंगे और इसको हम 4 फोल्ड में ऐसा करेंगे और इनके बीच में हम ऐसे लगाएंगे इनको। तो ये हमारी डबल पट्टी हो जाएगी इस प्रकार से। और इतनी पट्टी हमें इसमें चाहिए होगी। ये पट्टी हम एक पे लगाएंगे और इसी प्रकार से ये जो दूसरी पट्टी है इसको हम वैसे ही 4 फोल्ड में करके और इस पे अटैच करेंगे। तो ये आपकी छोटी बच्ची की फ्रॉक बिल्कुल बहुत सुंदर और तैयार हो जाएगी इस प्रकार से, ये देखिए। तो आइए अब हम इसको स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हम इस घेर की स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए हमने ये कपड़ा लिया, इसमें हम पाइपिंग निकालते हैं और 1/2 इंच की चौड़ी हम पट्टी कटिंग करेंगे। और ये नीचे लगाने के लिए हमने ये उरे पट्टी कटिंग की है और इनको हम जॉइंट कर लेते हैं। ये इनका ऑन साइड है, ये ऑफ साइड है। इसी प्रकार से सारी जो पट्टियां क्रम से ज्वाइंट करेंगे। इस स्कर्ट के नीचे लगाने के लिए हमने ये उरे पट्टी तैयार कर ली है, इसको हमने ज्वाइंट कर लिया है इस प्रकार से। अब हम इस स्कर्ट को ज्वाइंट करेंगे ऑन साइड से। एक साइड से ज्वाइंट कर लिया है और एक साइड से ओपन रखा है। और जो इसकी ऑफ साइड है, ये देखिए, ये ऑन साइड है और इस तरफ से ऑफ साइड है। तो ऑफ साइड से इस प्रकार से हम पट्टी अटैच करेंगे। नीचे की साइड में और इस प्रकार आप अटैच करें पाइपिंग। सिंगल साइड में अटैच कर ली है। अब देखिए ऑन साइड में इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे हल्का सा और फिर इसको ऐसे पूरा। तो ये आपकी बहुत सुंदर और हल्की सी पाइपिंग हो जाएगी। आप इस प्रकार से इसको एक साइड में हाफ मोड़ेंगे और इसके बाद ऐसे मोड़ेंगे। तो ये पाइपिंग नीचे की साइड में बहुत ही सुंदर लगती है। और ये लगाना भी बहुत आसान है। ऑफ साइड से अटैच करेंगे, ऑन साइड में ऐसे फोल्ड कर देंगे। और पूरे राउंड में ऐसे फोल्ड कर लिए इसको नीचे की साइड में। अब हम इसकी साइड की स्टिचिंग कर लेते हैं, जो एक साइड की ओर है इसको भी हम स्टिच कर लेते हैं ऐसे। ये हमारा जो स्कर्ट है वो पूरा हो चुका है कम्प्लीटली और इसमें अब जॉइंट होना बाकी है। तो ये ऑलरेडी तैयार है।
अब हम ये पट्टी तैयार करेंगे। इसको हम फोर फोल्ड में ऐसे फोल्ड करेंगे हल्का सा दो साइड से, और फिर इसको ऐसे फोर फोल्ड। जैसे हम एक पट्टी तैयार करेंगे वैसे ही साइड की ये दोनों पट्टियां हम इसमें तैयार कर लेंगे। बहुत ही इजी भी हैं और बहुत सरल भी हैं। जैसे ये पट्टी तैयार हो गई है वैसे ही हम इस पट्टी को इस पे ऐसे अटैच करेंगे बीच में बिल्कुल। इस प्रकार से इसको अटैच करेंगे। इस पे भी आप दो डबल स्टिचिंग करें, एक इस साइड में और एक इस साइड में। इस पे भी हम डबल स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारी एक साइड की जो है तैयार हो गई है ऊपर की बेल्ट पट्टी। ऊपर की पार्ट्स में हम ये अस्तर का पार्ट्स जॉइंट करेंगे ऐसे, एक स्टिचिंग करेंगे और एक स्टिचिंग करने के बाद हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। जो हमारा अस्तर का पार्ट्स है वो ऐसे अंदर चला जाएगा। और ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा। 2 इंच की दूरी से एक मार्किंग हम ये इस तरफ करेंगे और 2 इंच की दूरी से एक मार्किंग हम इस तरफ करेंगे। और ये जो हमारा बेल्ट है ये ऑन साइड से ये ऑफ साइड है, इसको ऐसे अटैच करेंगे 2 इंच की दूरी पे। और दूसरे बेल्ट को हम यहाँ अटैच करेंगे 2 इंच की दूरी से, दो दो इंच की दूरी से। दूसरे पार्ट्स पे भी मार्किंग करेंगे और इनको वैसे ही लगाएंगे ऐसे। बहुत आसानी से आप इस प्रकार की कोई भी डिजाइन्स की पट्टी और खुली जो ओपन सी फ्रॉक होती है बच्चों के लिए और अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं और अपने बच्चों को पहना सकते हैं। तो इस प्रकार की फ्रॉक बनाना आप जरूर सीखें। और ये छोटे छोटे कट पीस से बन जाते हैं। ऑफ साइड से इनको अटैच कर दीजिए, एक बेल्ट को अटैच किया वैसे ही दूसरे बेल्ट को अटैच कर लें। हमारे बेल्ट दोनों बराबर होने चाहिए। और ये दोनों पट्टियां अटैच हो चुकी हैं। अब हम इसकी साइड की स्टिचिंग करेंगे। ये जो दोनों हमारे पार्ट्स हैं इनको हम साइड से ऐसे स्टिचिंग करेंगे। और इसी प्रकार से ये साइड भी जॉइंट करेंगे। ये जॉइंट हो चुके हैं। और अब हम ये स्कर्ट लेंगे और इस स्कर्ट को इसे हम नापेंगे। तो ये हमारा लगभग बराबर है, इसको अब हम इसमें अटैच कर सकते हैं। तो ये जो हमारी स्टिचिंग है यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे, जो सिलाई की लाइंस है। और इस प्रकार आप इसको जॉइंट कर लेंगे तो आपकी फ्रॉक तैयार है। ऊपर के बेल्ट को ऊपर रखें, स्कर्ट को नीचे रख के सीधा जॉइंट करना है। अगर हमारा स्कर्ट थोड़ा सा बड़ा है तो आप इस पट्टी को हल्का सा खींच करके ले सकते हैं ऐसे, और दोनों को ऐसे बराबर कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा, तो इसको आप हल्का सा
पुश कर लें। और ये बराबर आ जाएगी। तो ये इसकी स्टिचिंग पूरी हो चुकी है और ये फ्रॉक बन करके तैयार है। ये देखिए, ये हमारी फ्रॉक है।